गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो अभी मैं और मेरा भाई घर पे बैठे हुए थे, तो हम सोच रहे थे कि क्या करें। कभी लाइट आ रही थी, जा रही थी, गर्मी काफ़ी तेज़ है। सो मम्मा ने बोला कि चलो लंच करते हैं। तो लंच के लिए मेरे दिमाग में आइडिया आया कि चल भाई थोड़े से टिफिन शिफिन डालो, साथ में थोड़ा सामान डालो, तो निकलते हैं बाहर कहीं पर। थोड़ा जाला चक से ऊपर वाली साइड जो रोड जाती है, वहाँ पर थोड़ा हिल साइड है, उस साइड जाके देखते हैं कहीं पर आराम से, कहीं पेड़ों के नीचे बैठ के आराम से लंच करते हैं। सो फॉर दैट वी आर रेडी, बाइक लेके जाएंगे और टिफिन डाल लिया, प्लेट्स डाल ली, एक मैट डाला है। सो आई होप यू विल एंजॉय द वीडियो गाइस। अभी निकले हैं हम द्याला चक वाली साइड, जो कि मेरे घर से 5 किलोमीटर की दूरी पे है, और वहाँ से हम लेंगे एक राइट टर्न जो कि बिलावर वाली साइड लेके जाएगा हमें। निकला हूँ बिलावर वाली साइड और अभी यहाँ से हिल स्टार्ट होने वाली है। आप देखिए मेरे सामने, यहाँ पे थोड़ी देर पहले की बारिश भी हुई है, शायद रोड पीछे काफ़ी गिली थी, और यहाँ से स्टार्ट होने वाली है। इस जगह का नाम है डाबी। कठुआ वाले लोगों के लिए काफ़ी अच्छा पार्टी डेस्टिनेशन है ये, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे, मतलब नॉन वेज वाले जो शौकीन हैं, देसी मुर्गे के जो शौकीन हैं, वो काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे। सामने आप देखिए ये वो शॉप है, यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं। अभी भी कुछ गाड़ियाँ लगी हैं, इनकी भी खोपड़ी स्थिति है। तो गाइस हम भूल गए पानी लेना, और अब हम जा रहे हैं पानी लेने। आगे कोई दुकान नहीं मिलेगी, और यहीं पर हम कहीं अच्छा सी जगह देख के, ठंडी सी जगह देख के वहीं बैठेंगे, वहीं करेंगे लंच। और सो गाइस अभी हम हैं ग्याला चक से कोई 10 किलोमीटर आगे, और मेरे पीछे आप देखिए उस रोड से हम आए हैं। आप मेरी हेलमेट के शीशे में देख सकते हैं कहाँ से आए हम, और अभी यहाँ से देखते हैं कोई अच्छी सी रोड एक्सप्लोर करेंगे, या फिर कहीं अच्छी जगह बैठ के लंच करेंगे, एंड आफ्टर दैट विल गो बैक होम। तो गाइस यहाँ से पानी लेने के बाद अब हम चल पड़े हैं किसी ऐसी जगह की तलाश में जहाँ हम बैठ के लंच कर सकें और थोड़ी देर चल कर सकें। अभी हम ढूंढ रहे हैं कोई जगह की, कोई मिले जगह जिसमें जहाँ बैठ के हम लंच करें, और देखते हैं। अभी तक तो कोई जगह मिली नहीं है, पर इससे थोड़ा सा आगे जाके कुछ एरिया आता है जहाँ पे चीड़ वगैरह के पेड़ है,
मैं इसी एरिया के बारे में बात कर रहा था। अभी हम यहीं पे कोई जगह देखेंगे जहाँ पे हम रुकेंगे और वहीं पे बैठेंगे। बाइक और यहाँ से व्यू देखिए। सो फाइनली हमने एक स्पॉट सेलेक्ट कर लिया है जहाँ पे हम रुकने वाले हैं। रोड से थोड़ा सा हाइट पे एक छोटी पहाड़ी टाइप जगह है, दिस वन, इस पेड़ के नीचे एक हम रुकने वाले हैं। बड़ी मुश्किल से ऊपर तक पहुँचे, जैसे ही ऊपर आए प्लेट्स बाहर निकाली तो वो डिस्पोजल प्लेट दोनों उड़ के नीचे चलेगी, दोबारा नीचे जाना पड़ेगा। वो देखिए वो पड़ी हैं, आपको दिख रही हो तो वो मैं लेके आऊँगा बिल्कुल। सो गाइस हमारा लंच हो चुका है शुरू और यहाँ बैठ के हम खा रहे हैं राजमा और चावल। और अकॉर्डिंग टू मी घर पे टेबल पे बैठ के खाने से तो कहीं गुना बेहतर है यहाँ पे खाना। काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है और हवा भी अच्छी चल रही है यहाँ पे। सो गाइस जब तक हम खाते हैं राजमा चावल तब तक आप ये व्यू देखिए। छोटी सी पिकनिक के बाद राजमा चावल यहाँ पे खा के अब हम चले हैं वापस घर। उधर वहाँ पे लंच करके अभी हम निकल गए हैं वापस घर और यहाँ से कोई 25 किलोमीटर होगा हमारा घर। घर 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 2:15 बजे निकले थे, 4 बजे हैं, 3:59 हुए हैं। टेम्परेचर 43 डिग्री और चलिए मैं आया, अगर थोड़ा मौसम ठंडा होता फिर ज्यादा मैं आना नहीं के? ओ भाई 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 कहाँ घुसा जा रहा है, कहाँ घुसा जा रहा है मेरे भाई, कहाँ किधर? कौन सुरेंद्र नहीं है मेरा दोस्त राय वाला, मेरे कहने आर्मी स्कूल पढ़ता। हम आ गए वापस लंच करके एक छोटी सी पिकनिक बना के और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटा भी बजा दें, धन्यवाद।